चलिए सवाल प्लीज बोल तुम बैठ जाएगी हम लेट आते हैं लीजिए 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 वोट जरूर आगे इधर था नकली वोट वोट की तैयारी सर जागरूक जनता हमारे संतवीय के परिवार के सभी जागरूक वोटर्स हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादा को बनाए रखेंगे अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जय माय वोट माय ड्यूटी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं वोट देंगे वोट ड्यूटी झारखंड सभी कोई अपना अपना मत दे अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे 13 तारीख को अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपने अपने क्षेत्र में जाकर अवश्य वोट करें हम लोग वोट करेंगे देश के विकास में अपना योगदान दें धन्यवाद सो दोस्तों आज लोकसभा चुनाव का चौथा चरण का मतदान होने वाला है और इस वक्त मेरे सामने है पहली बार वोट देने जा रहे बलराम जामुदा तो चलिए जानते हैं इनसे कि कैसा ये महसूस कर रहे हैं और अंदर से कितना उत्साह है बताइए बलराम कैसा महसूस कर रहे हैं आप अच्छा ही लग रहा है महसूस कर रहे हैं और आप कभी सुने हैं कि मशीन में वोट होता है कि पेपर में वोट होता है कभी नहीं देखे हैं तस्लीक तो आपको जानकारी है कैसे वोट देना है नहीं जानकारी है नहीं तो सबसे पहले हम बता दें आपको आपको वहां जा कर के बटन दाबना है वहां पे जितने भी चुनावी प्रत्याशी हैं उनका चुनाव चिन्ह होगा सबसे पहला नंबर में कमल फूल दूसरे नंबर में तीर धनुष तीसरे नंबर में और भी अन्य चिन्ह होंगे तो आपको जो पसंद है आप जिस उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसी को आपको वोट देना है उस बटन को दाब करके एक बटन दाबना है जिससे एक आवाज़ आएगी आवाज़ आई मतलब आपने वोट दे दिया है गुड मॉर्निंग जोहार तो दोस्तों आज हमारे क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे चरण का मतदान है और अभी हम लोग निकल गए हैं एक्चुअली सुबह जाने का था लेकिन चूंकि सुबह यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है यहाँ पे इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है वैसे हमारा बूथ जो है दोस्तों इस पेड़ के उस साइड जो स्कूल दिख रहा है आपको हाई स्कूल वहीं पे है नेहरू मेमोरियल में हमारा बूथ है और वहीं जा रहे हैं और हमारे साथ देखिए कौन कौन है शीर्ष की मम्मी जो पहली बार वोट देने जा रही है और बाबू हाँ बाबू ए टोपी पहनो हाँ गाड़ी से नहीं पैदल जाएंगे चलिए और साथ में सौम्या की सहेली दोनों उनकी फूफू दोनों सौम्या की फूफू दोनों चलिए देखते हैं वहाँ पे अंदर मोबाइल लेने दिया जाए कि नहीं देखते हैं लेकिन बाहर से आप सबको थोड़ा सा झलकियाँ दिखाते हैं शेष कहाँ जा रहा है बेटा वोट देने जा रहा है हाँ चलो सौम्या टोपी पहनी बेटा और कितने जोश उमंग तरंग से सभी जा रहे हैं हम लोग घर से ही दोस्तों लगभग 15 से 20 जन वोट देते हैं तो एक ग्रुप सुबह दे दिया चलो और टॉपी और एक ग्रुप अभी हम लोग जा रहे हैं लगभग 7-8 लोग क्योंकि दोस्तों बहुत गर्मी इसलिए हमने पगड़ी पहननी है शीर्ष मजा आ रहा है अरे डॉगी भी आ रहा है चलिए दोस्तों जानेंगे सौम्या की मम्मी क्या थिंकिंग है क्या
कैसा महसूस कर रही है और किसे वोट करने वाली है पूछते हैं, बताइए किसको वोट देने जा रहे हैं पहली बार आज? किसे वोट करने जा रहे हैं वो तो हम बता नहीं सकते। अच्छा ऐसा है क्या? गुप्त रखा जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए आप गुप्त ही रखिए, लेकिन हमारा वोट तो हमें भी पता है लेकिन हम शेयर नहीं करेंगे। हमारे जो हमारी बातों को जो रखे, हमारे जो आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों के जो उनकी भलाई के लिए जो सही कदम जो सरकार उठाएगी उन्हीं को हम वोट देंगे। तो चलिए हम लोग पहुँच गए बूथ सेंटर पे। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर, तो हम चलते हैं मोबाइल यहीं छोड़ते हैं मेहमानों के साथ। ये भाई सवंता वन फोन है, आके बताते हैं। A few moments later. My board, my duty. My board, my duty. हाँ ये हमारे परिवार के सभी सदस्य गण हैं। जिंदाबाद। हम सभी ने सारा सर को वोट किया है। तीर धनु सबू है, कमल बा कबू है। ये तो एक ये सभी ने अपना मताधिकार का प्रयोग करके सभी बहुत उत्साहित हैं। सभी ने दो नंबर पे वोट दिया है, जो हम माजी को जिताने का पूरा प्रयास है। और सेकंड ग्रुप वालों को बस 2 मिनट लगा, पहला ग्रुप को 2 घंटे लगा, तो सेकंड ग्रुप को 2 मिनट में हो गया 3 घंटा। अच्छा 10:30 से 9:30 बजे। अच्छा और आप लोग बताइए कौन कौन सा बटन दबे हैं? 2 नंबर दबे कि 1 नंबर? हाँ पहला ग्रुप जो है ये लोग पूरा एंजॉय किए हैं, लोगों को डांटे हैं, खूब मस्ती हुआ है। और सेकंड ग्रुप जो अभी हम लोग गए थे उसमें हम लोग बस गए 2 मिनट में दाब के आ गए, पूरा खाली खाली है। हाँ वेलकम, गर्म जोशी से स्वागत किया गया। वोट दे के आ गए हैं बच्चा पार्टी। हाँ 5 साल हुआ, 8 साल में 12 साल हो गए, 6 साल मिल सकता है। हाँ देखिए एक ही परिवार से हम लोग कितने वोटर्स हैं, भावी वोटर्स हैं 2-4 और 6 जन न्यू वोटर्स हैं, और एक ग्रुप बाहर है अभी जेंट्स ग्रुप। तो दोस्तों हमने वोट दिया अपना, और हमारा जो वोट देने का जो प्रक्रिया था एकदम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चला। जैसे ही गए सीधा अंदर, अपना जो प्रोसेस होता है वो करने के बाद 2 मिनट के अंदर में हमने वोट दे के निकल लिए। क्योंकि दोस्तों सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम लोग आज सुबह नहीं गए। बहन लोग गई थी, वो लोग 3-4 घंटा वहाँ रुकी, तब जाके उन लोग का नंबर आया। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा समझदार निकले, हम लोग करीब 1 बजे आसपास गए और सीधा अंदर जैसे गए खाली, कोई लाइन नहीं लगा था, तो बस गए वहाँ पे अपना वोटर आईडी और पैसे दिखाए, सारा चीज़ वेरिफिकेशन होने के बाद बस अंदर गए, दाब दिए आ गए बस। तो काफ़ी अच्छा लगा वोट दे करके और अपना मताधिकार का प्रयोग करके, हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। तो आशा करते हैं आप सभी ने भी अपने अपने जगहों पे वोट दे दिया होगा और सही उम्मीदवार सही कैंडिडेट को आपने वोट किया होगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।